हमको कई बार दिखाया गया है कि 4 बजे उठने से, बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठने से आप सक्सेसफुल बनोगे अपनी लाइफ में, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये तो वही बात हुई ना कि लोग बोलते हैं कि बस में धक्के खाने से आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्या बस में धक्के खाने से आप सक्सेसफुल हो जाओगे? जस्ट बाय गेटिंग भीड़ में, पसीने में जाकर के स्ट्रगल करने से क्या आप सक्सेसफुल हो जाओगे बस में जाकर के? नहीं। उसी तरह जस्ट 4 बजे उठने के, या 4 बजे उठ के, या इवन 5 बजे उठ करके, या 3 बजे उठ करके, जो भी ये लोग कहते हैं, जस्ट बाई डूइंग दैट यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल तब होगे जब आप उठने के बाद, जिस टाइम में आप उठे रहते हो उस समय आप क्या काम करते हो वो डिटरमिन करता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो। ये चीज़ डिटरमिन नहीं करती है कि आप कितने बजे उठ रहे हो। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स बोले, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। उठने के बाद चलिए 1 घंटे उन्होंने एक्सरसाइज करी, प्राणायाम वगैरह किया, जो भी किया, उसके बाद क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग न्यूज़ देखते रहते हैं 2 घंटे 3 घंटे। फिर बहुत सारे लोग पूरे दिन बैठ करके बस टेलीविजन सीरियल्स देखते रहते हैं, पूरे दिन टेलीविजन सीरियल्स देखते हैं लोग, पूरे दिन सुबह सुबह उठ करके पूरे दिन न्यूज़ देखते हैं। जो आज के टाइम पे न्यूज़ गिव्स यू नथिंग प्रोडक्टिव, इट ओनली फीड्स यू क्रैप फॉर योर माइंड। आपके माइंड में केवल क्रैप फीड करता है, वो बिल्कुल नॉनसेंस फीड करता है, वो एक्चुअली प्रोडक्टिव कुछ करता ही नहीं है। और टीवी सीरियल्स चलो एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर आप पूरे दिन देख रहे हो तो आप भी जानते हो कि भी आप अपने दिमाग में क्या फीड कर रहे हो। तो आप 3 बजे उठ के, 4 बजे उठ के अगर आप पूरे दिन न्यूज़ देखोगे और पूरे दिन आप बैठ करके बस वही काम करोगे, अनप्रोडक्टिव चीज़ों करोगे, तो उससे आप सक्सेसफुल नहीं बनने वाले। बल्कि वो बंदा जो चाहे 7-8 बजे उठ रहा है, लेकिन 7 या 8 बजे 9 बजे जो भी, अगर समझ लो उसने पूरी रात काम किया और वो बाद में भी उठ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो उठने के बाद केवल अपने जॉब की तरफ कंप्लीटली डेडिकेटेड है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, पूरे फोकस से काम करता है, चाहे 8 घंटे काम करे, चाहे 10 घंटे काम करे, या जितने भी देर काम कर रहा है, पूरे फोकस, पूरे डेडिकेशन, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रहा है, और हर दिन वो बंदा उस चीज़ पे काम कर रहा है, वो बंदा ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा कंपेयर टू द पर्सन जो केवल 4 बजे उठ रहा है लेकिन पूरे दिन अनप्रोडक्टिव काम कर रहा है। तो भाई साहब ये याद रखिए कि जस्ट गेटिंग अप एट 4 AM विल नॉट मेक यू सक्सेसफुल। यस, इफ यू आर गेटिंग अप एट 4 AM एंड उसके बाद आप उठ के केवल प्रोडक्टिव काम, अच्छे काम कर रहे हो, तब आप जरूर सक्सेसफुल बनोगे। और ये मत सोचिए कि जस्ट बिकॉज ये बंदा 8 बजे उठ रहा है, ये लेट थोड़ा उठ रहा है, तो वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता। बहुत ऐसे लोग हैं वो पूरी रात रात भर काम करते हैं और सुबह में रात रात भर काम करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सुबह सो करके अपना वो करते हैं। तो वो भाई हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। ये नहीं कह सकते कि ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है। वॉट इज इम्पोर्टेंट इज योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर जॉब, टुवर्ड्स योर वर्क, एंड क्या आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, और अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। ये 3 चीज़ें आपकी सक्सेस को ज़्यादा डिटर्मिन करती हैं, मोर देन कंपेयर टू कि भाई आप किस समय उठ रहे हो। 4 बजे उठना है, उठो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर काम नहीं कर रहे तो कम से कम दूसरे पर्सन को तो जज मत करो कि वो लेट क्यों उठता है। हो सकता है वो बंदा आपसे ज़्यादा काम कर रहा हो, और हो सकता है उसने पूरी रात काम किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट ऑन दिस चैनल। एंड आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं देन यू कैन ईमेल मी एट anubhav101@gmail.com अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करूँ, या अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपके 1-on-1 कंसल्टिंग करूँ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं उस ईमेल एड्रेस पे। मेरे क्रेडेंशियल्स नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। Thank you.